अच्छा हुआ पंडित रामाकृष्णा कि आप आ गए। आप कोतवाल की सुरक्षा आप ही को करनी है। हाँ मंत्रीवर, उनकी रक्षा करूंगा तभी तो मेरी सुरक्षा होगी। चलिए देखते हैं हमारे कोतवाल की क्या हालत है। चलिए। हाँ वाह। अरे पंडित रामकृष्णा जी, महामंत्री जी, आइए आइए, मेदू वड़ा खाइए। ये समक्ष मेदू वड़े का नाम भी मत लीजिए। अरे क्यों, मेदू वड़ा तो अत्यंत स्वादिष्ट होते हैं, मेरे बच्चों को तो बहुत ही प्रिय है। विदित है मुझे। मैं शीघ्र इन्हें समाप्त करके आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ। हाँ, आप शांति पूर्वक खाइए। खाइए खाइए। सही सही सही। कोतवाल के शीश पर मृत्यु नृत्य कर रही है और ये शांति पूर्वक मेदू वड़े खा रहे हैं। पंडित रामकृष्णा, मेदू वड़ा वस्तु ही कुछ ऐसी, परंतु आपको मेदू वड़ा क्यों प्रिय नहीं है? क्योंकि वो दाल से बनते हैं और दाल पीसनी पड़ती है। कहिए पंडित रामकृष्ण जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? ये लीजिए, सहायता की आवश्यकता आपको है कोतवाल महाशय, मृत्यु दंड मुझे नहीं मिला है, आपको मिला है। अरे मति भ्रम हो गया पंडित रामकृष्ण, कुछ सुझाव ही नहीं दे रहा है। अच्छा पंडित रामकृष्ण, मेरे छोटे छोटे बच्चे ठूस ठूस के खाते हैं। रामकृष्ण जी देखिए, आप सबकी सहायता करते हैं, आपको मेरे भी सहायता करना पड़ेगा। आप बताइए, आपके ऊपर माँ की कृपा है, आपका तो ज्ञान के भंडार है पंडित रामकृष्ण। मुझे मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मेरी पत्नी को विधवा होने से बचा लीजिए पंडित रामकृष्ण, बचाइए मुझे। हाँ हाँ, आपके संकट के निवारण के लिए ही आया हूँ। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनिए, मैं जो कहता हूँ आपको वही करना होगा। मैं वैसे ही करूंगा। महाराज की जय हो। हमारी दोनों महारानियां कहाँ हैं? महाराज, दोनों रानियां अपने कक्ष में हैं। कक्ष में क्या कर रही है दोनों महारानियां? महत्वपूर्ण फूलदान की क्या दुर्दशा हो गई, दोनों ही सो रही हैं। वैसे छुट्टी हमारी है, हमने इसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व इन्हें सौंपा था, परंतु हम इसकी सुरक्षा स्वयं करेंगे। आप दोनों सोती रही हैं। महाराज, हमें आपसे ये आशा नहीं थी, हमारी जरा सी आंख क्या लगी, आप तो फूलदान उठाकर जाने लगे। नहीं वो तो हम, महाराज कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें सोता जानकर आप ये फूलदान लेकर जा रहे थे ताकि हमें पता ना चले और आप हम दोनों को। महारानी चिन्ना देवी कैसी बातें कर रही, हम भला ऐसा क्यों करेंगे, आप ही सोचिए। षड्यंत्र। षड्यंत्र? भगवान, षड्यंत्र। महाराज, आप हम दोनों को मृत्यु दंड देना चाहते हैं? नहीं, आप हम दोनों का वध करके उस उड़ीसा की राजकुमारी जगन मोहिनी से विवाह करना चाहते हैं। महाराज, आप हम भी उससे। छोटी महारानी जी रोना बंद कीजिए। अरे ये कैसे? आप समझाइए, नहीं इन्हें समझाइए आप। महाराज, अब समझाने को शेष बचा ही क्या है, हम सब समझ गए। आप गलत समझ रही हैं। महाराज, हम बिना खाए पिए इस फूलदान की सुरक्षा के लिए दिन रात तत्पर थे और आप कह रहे हैं कि हम लापरवाह हैं? नहीं नहीं, हम केवल इतना कह रहे थे कि जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि आप सो रही थी।
और सोते सोते आपका हाथ इस फूलदान को लग गया था। अब यदि हम समय पर नहीं आते तो ये फूलदान भूमि पर गिरकर टूट जाता। सोचिए महाराज, आप ये कहना चाहते हैं कि हमें हमारे कर्तव्य का बोझ नहीं था? नहीं नहीं, हम केवल इतना कहना चाह रहे कि संभवतः त्रुटिवश आप दोनों को निंद्रा आ गई होगी। त्रुटि? सुना महारानी चिन्ना देवी आपने, हम त्रुटि करते हैं। ऐसे जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है, हम अभी विष बना कर लाते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है महारानी। आवश्यकता है। महारानी तिरुमलम्बा, आप जाइए और विष लेकर आइए। आप खट्टा मीठा पसंद करेंगी या मात्र मीठा? या विष? हमें दोनों प्रकार का विष बनाना अच्छे से आता है। खट्टा, हमारे विवाहिक अनुभव की भांति अत्यंत ही खट्टा। जाइए, आप विष लेकर आइए। नहीं नहीं महाराज जी, इसकी आवश्यकता, हम तो केवल इतना कह रहे थे कि ये जो फूलदान का जो महाराज की जय हो। जय हो महामंत्री जी। महाराज क्षमा चाहते हैं, परंतु समस्या बहुत ही गंभीर है, इसी कारणवश हम आपको रात्रि में कष्ट देने चले आए। महामंत्री जी, कोई कष्टवश की बात नहीं है, आप अत्यंत उचित समय पर आए हैं। आप जी? जी हाँ। छोटी महारानी जी, बड़ी महारानी जी, ये लीजिए, ये आपका दायित्व है, इसे आप ही संभालिए सकुशल। हमें आप पर पूर्ण भरोसा और आशा करते हैं कि पूरी निष्ठा के साथ आप इसकी सुरक्षा करेंगे। हाँ, और सोइएगा मत। चलिए महामंत्री जी, हम कुछ कार्य करके आते हैं। चलिए। महामंत्री जी, आप तो मछलीपट्टनम के लिए रवाना होने वाले थे ना? जी महाराज, समस्त व्यवस्थाएं पूर्ण हो चुकी। आपके आदेश अनुसार कल सुबह कोतवाल को फांसी पे लटका के हम चले जाएंगे। तो बताइए, कौन सा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो इस समय आप? कोतवाल से संबंधित है महाराज। कोतवाल की अंतिम इच्छा है कि वो अपनी मृत्यु के पूर्व आपसे भेंट करना चाहते हैं। अभी रात्रि काफी हो गई महामंत्री जी, एक कार्य कीजिए, आप कोतवाल का मृत्युदंड एक दिवस के लिए स्थगित करवा लीजिए। हम प्रातःकाल उनसे राज दरबार में भेंट करेंगे। परंतु महाराज, इस प्रकार तो हमारा मछलीपट्टनम जाना भी एक दिवस के लिए स्थगित हो जाएगा। महामंत्री जी, हमें आपसे यह अपेक्षा नहीं थी। आपके हृदय में कोतवाल के लिए तनिक भी सहानुभूति स्नेह कुछ नहीं, आपके सहयोगी है वो। इतने कार्य आपने साथ मिलकर किए, यदि उन्हें एक दिवस का जीवन दान मिलता है तो इसमें समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं महाराज, हम एक दिवस के पश्चात मछलीपट्टनम चले जाएंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए महाराज, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, कल प्रातःकाल दरबार में भेंट होगी। अवश्य महाराज। गुरुवर। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। ये हमारे मार्ग में किसने रखा है? हमने महाराज, हमने। आपने गुरुवर? महाराज, इस पालकी में बहुमूल्य चमत्कारी फूलदान रखा हुआ है महाराज, जो आपके पूर्वजों की धरोहर है, और इसकी सुरक्षा का दायित्व आपने हम जैसे योग्य पुरुष को सौंपा है महाराज। तो हम नहीं चाहते कि ये फूलदान हमारी दृष्टि से एक क्षण के लिए भी ओझल हो जाए, तो बस हम इसे अपने साथ ही दरबार में ले आए। परंतु गुरुवर, अब हम अपने सिंहासन तक कैसे जाएंगे? छलांग मार के महाराज। छलांग लगा के? हाँ, छलांग मार के महाराज, ऐसे
महाराज हमने देखा तो नहीं है परंतु सुना है कि आप युद्ध में एक घोड़े से दूसरे घोड़े पर यूं छलांग मार कर पहुंच जाते हैं। बस ऐसे ही यहाँ से छलांग मारिए और सिंहासन पर पहुंच जाइए। हम छलांग लगाएंगे। महाराज ये हो क्या रहा है रामा? रुक जाइए महाराज। पंडित रामकृष्ण टोका क्यों हमें? अब हम छलांग नहीं लगाएंगे। क्यों 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 पंडित रामकृष्ण सभी के कार्यों में विघ्न डालते हैं आप? क्यों टोका आपने महाराज को? महाराज नहीं पंडित रामकृष्ण, आपने टोका क्यों? अब हम छलांग नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। मनी अब देखने वाली बात यह होगी कि महाराज कैसे जाते हैं इस पार से उस पार अपने सिंहासन पर। महाराज शूरवीर हैं, उड़कर चले जाएंगे। दास उठाओ। रुकिए रुकिए, महामंत्री जी। महाराज आज की कार्रवाई आरंभ की जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज नगर कोतवाल आपसे अंतिम बार भेंट करना चाहते हैं। कोतवाल अनुमति है। प्रणाम महाराज। आइए कोतवाल, आइए। भेंट क्यों करना चाहते हैं आप हमसे? महाराज मैं स्वीकार करता हूँ महाराज कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है और उस अपराध का प्रायश्चित मृत्युदंड के द्वारा ही हो सकता है। सत्य है, इसी कारणवश आपको मृत्युदंड दिया गया है। एक विनती है महाराज। आइए। महाराज क्या मैं अपना मृत्युदंड किसी और व्यक्ति के नाम स्थानांतरित कर सकता हूँ? यदि आपकी आज्ञा हो तो। क्या क्या पकड़ी 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 क्या है? ये कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं आप? क्या मृत्युदंड के भय ने आपकी बुद्धि हर ली है कोतवाल? बताइए क्या मृत्युदंड भी कभी स्थानांतरित होता है? महाराज मैं स्वीकार करता हूँ महाराज कि मेरा अपराध मृत्युदंड है और आपका आदेश भी पूर्ण होगा महाराज। अब मृत्यु महाराज चाहे मेरी हो चाहे मेरे स्थान पे किसी और की हो, क्या अंतर है महाराज? मृत्यु तो मृत्यु। महाराज महाराज महामंत्री जी कोतवाल, मृत्यु का भय तो रक्त संबंध को भी क्षीण कर देता है। ऐसा कौन मूर्ख विजयनगर में आ गया है जो आपकी मृत्यु को अपने सर लेना चाहता है? है, 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 एक है। कोतवाल हमें स्वीकार है परंतु हमारी दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि आपके स्थान पर आपकी मृत्यु जो भी स्वीकार करना चाहता है वो एक पुरुष हो, कोई स्त्री कोई वृद्ध व्यक्ति या बालक ना हो। और दूसरी ये जो भी मृत्यु दंड स्वीकार कर रहा है वो स्वेच्छा से स्वीकार करे आपका मृत्युदंड। हम तो बच गए। हाँ महाराज आपकी दोनों शर्तें पूर्ण होंगी। उचित है, हम भी देखना चाहते हैं कौन है वो मूर्ख जो आपकी मृत्यु अपने
सर स्वेच्छा पूर्वक लेना चाहता है। कौन है वो? महाराज उस व्यक्ति का नाम है पंडित रामकृष्णा। क्या? पंडित रामकृष्ण? जी महाराज, मैंने कहा था ना महाराज अत्यंत दयालु हैं, अवश्य आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। पंडित रामकृष्णा आपको ज्ञात तो है आप क्या करने जा रहे हैं, चेतना में तो है आप, आप भली भांति अपने प्राणों की बलि देने जा रहे हैं। जी महाराज भली भांति जानता हूँ। हम समझ गए महाराज, ये पंडित रामकृष्णा का नया प्रपंच है। ये भली भांति जानते हैं कि आपके विशेष सलाहकार हैं, आप इनका सम्मान करते हैं, इनकी धर्मपत्नी अपनी पहली संतान को जन्म देने वाली है, इसलिए आप इन्हें मृत्युदंड नहीं देंगे। और अपने इसी अति आत्मविश्वास के कारण इन्होंने मृत्युदंड को स्वीकार किया और महाराज के निर्णय और राजयज्ञ का उपहास छुड़ाया पंडित रामकृष्णा ने। परंतु पंडित रामकृष्णा को ज्ञात नहीं है। क्या ज्ञात नहीं है? यही कि हमारे महाराज अति न्यायप्रिय हैं। न्याय के लिए महाराज कठोर से कठोर निर्णय ले सकते हैं। विजयनगर की न्याय प्रणाली, विजयनगर का सम्मान, और एक व्यक्ति के लिए महाराज विजयनगर के सम्मान को समाप्त नहीं कर सकते। क्या लगता है आपको पंडित रामकृष्ण, आपकी ये युक्ति हमारे समक्ष काम कर जाएगी? पंडित रामकृष्ण, ये सत्य है कि आप हमें अत्यंत प्रिय है, कि आप विजयनगर राज्य के लिए अत्यंत विशिष्ट, कि आपकी धर्मपत्नी गर्भवती है और आपके घर आपके प्रथम शिशु का जन्म होने वाला है। परंतु पंडित रामकृष्ण, आपने राज्य आज्ञा का उल्लंघन करने का दुस्साहस किया है। जो मान जो सम्मान हमने आपको दिया था, आपने उसका अपमान किया है। अतः वही होगा जो आप चाहते हैं। कोतवाल के स्थान पर मृत्युदंड आपको दिया जाएगा पंडित रामकृष्ण। मंत्री जी, महाराज कोतवाल को मुक्त कर दिया जाए और उनके स्थान पर पंडित रामकृष्ण को कारागार में डालकर उन्हें बंदी बना लिया जाए और कल प्रातःकाल पंडित रामकृष्ण को मृत्युदंड दिया जाए। बहुत शौक था ना कोतवाल को बचाकर महान बनने का, अब खुद को कैसे बचाओगे पंडित रामकृष्ण? महाराज परंतु हम ये कह रहे थे। हाँ मंत्री जी, आज्ञा का पालन हो। जो जो आज्ञा महाराज। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.